आज क्या करने वाले हैं ना, जनरली आपको पता है रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग कि सोडियम जो होता है हाईली रिएक्टिवेटर होता है, ठीक है। और आपको बताया था कि रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल जब याद करना होगा तो आप क्या कर सकते हैं, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, हाई कोट है आपका, हाइड्रोजन से नीचे वाला लेस रिएक्टिव, हाइड्रोजन से ऊपर वाला। जनरली लोगों का क्वेश्चन था कि कौन किसको डिस्प्लेस कर पाएगा इसके रिगार्डिंग, ठीक है। तो हम ना थोड़ा सा एक क्रेजी एक्सपेरिमेंट करेंगे कि अगर यहाँ छत है और छत पर ना मैंने एक जगह पानी स्टोर किया है, ठीक है, और इस पानी स्टोरेज में हम क्या करेंगे ना, सोडियम डाल करके देखेंगे कि क्या इसका इफेक्ट होता है। जनरली कुछ आयरन का टुकड़ा भी है यहाँ पे और मैंने वो जिंक का ग्रेनुल्स भी साइड साइड में डाला है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे हम लोग, देखेंगे कि क्या इफेक्ट रहता है। तो कौन किसको मतलब क्या करते हैं डिस्प्लेस कर पाएगा वो रिप्रेजेंट करेगा। तो डिस्प्लेसमेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए, जो हाइड्रोजन से एवब रहेगा वो एक दूसरे को डिस्प्लेस कर पाएगा, हाइड्रोजन से नीचे वाला डिस्प्लेस नहीं कर पाता, ठीक है। और गोल्ड वगैरह जो है सब नोबल एलिमेंट में आ जाता है। तो डालते हैं बिना देर किए हुए, अब एक्सपेरिमेंट हम लोग कर करके देखते हैं। प्लीज घर पे आप ट्राई ना करें, ओके। हम यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करके आपको दिखाते हैं कि ये स्टोर वाटर में उसका इफेक्ट क्या होगा, ठीक है। तो ये देखिए पूरा यहाँ पे पानी है, ये वाटर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। और ये हमारे हाथ में जो है वो मेटल है और इसमें आयरन का पीसेस भी डाला हुआ है और साथ साथ जो है इसमें मैंने है ना वो जिंक का ग्रेनुल्स भी डाला है। तो डायरेक्ट देखेंगे इसका इफेक्ट क्या होता है यहाँ पे। आवाज एकदम लग रहा है कि पटाखा छूटा और इस तरह से पूरा धुआं धुआं भर गया घर पे ना।